नमस्कार, मैं संजू बघेल जबलपुर मध्य प्रदेश से देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। भाइयों बहनों, आज हम ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं, किस तरह द्रौपदी अपने भाई की रक्षा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण उन्हें बहन मानकर वचन देते हैं कि हम आपके सदा ऋणी रहेंगे। आइए इस पावन पवित्र रिश्ते की कथा आल्हा के माध्यम से सुनते हैं। का लड़का रहे बता दम घोष छेदी के
जीव रूप तहाए, हाथ चार थे इस बालक के, आंखें तीन थी जिसके, हाय देख विचित्र रूप बालक का। माता पिता भय चिंतित, हाय उन्होंने समझा राक्षस है या, पैदा हो गई कोई बलाय, उन्होंने समझा राक्षस है या। तुरंत गई वो आज दुखी एकदम से फिर हो गए, बुआ और फूफा तब जाए अपनी बुआ और फूफा से, बोले कन्हैया बहन उचार अभी अभी तुम दोनों खुश थे, अब क्या चिंता गई समाय अभी अभी तुम दोनों खुश थे। Yeah!
सुपालना उसे सुहाए प्रेम पत्र के द्वारा उसने खबर कृष्ण को दई पठाए। तभी कृष्ण रुक्मणी को आकर ले गए अपने संग भगा। यही से कान्हा शिशुपाल का दुश्मन बन बैठा समझा। एक बार तो राजा दुष्टर रहे राजसूय यज्ञ करा। सभा में